हमारी अच्छा साफ हो रही है। ये हमारे अकाउंट पच्चीस तो नहीं चाहिए, 200 वाले तो तेरा भी चाहिए। कहीं कहाँ सा पहले पति देख साइज चार समझ गया, साइज का बिल्कुल चार समझ गया। तो गाइस ये देखिए नीरज मॉर्निंग में जाके ये वाली मच्छी लाया है। एक तो ये पैम्फलेट ना पॉम्फ्रेट पता नहीं क्या पैम्फलेट बोलते पॉम्फ्रेट। और ये कौन सी मच्छी है मच्छी और ये प्रॉन्स, ये सब लाया नीरज। तो आज मैं बनाती हूँ फिश करी मेरे स्टाइल में। फिश को मैरिनेट कर लेंगे हम, इसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के मैरिनेट करके साइड कर लेंगे। और तब तक हम प्याज टमाटर वगैरह काट लेते हैं। अब एक पैन लेंगे जिसमें हम इसको मैरिनेट किया है, उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और सरसों का तेल लेंगे। अरे कुहू मत चिल्ला दो, क्या चाहिए चम्मच के साथ क्या खाना है तुमने, क्या चाहिए बता। अब तेल गरम हो चुका है, तेल जैसे ही गरम हो उसको हम लो मीडियम में करके फिश को क्या दिया इसको फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ा सा क्रंची जैसा नहीं हो जाता। गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो ये मच्छी है अगर वो पता करनी हो कि फ्रेश है कि नहीं, तो आप जो ये तेल में देखेंगे ये बिल्कुल चिपक नहीं रही है, नीचे से आराम से उड़ जा रही है, तो इसका मतलब वो फ्रेश है। और ये प्रूफ होता है क्योंकि आज नीरज आज ही लाया है, तो इससे पता चल रहा है कि फ्रेश मच्छी है। और अगर ये फ्रेश नहीं होती तो ये नीचे से चिपक रही होती, इसको उठाने में बड़ी दिक्कत हो रही होती। तो ये एक टिप है कि आपकी फिश फ्रेश है कि नहीं। क्या बेटा क्या फिश हो गई है, मैंने कढ़ाई में तेल लिया, थोड़ा तेल फिश वाला भी डाला, जीरा डाला, देन कलौंजी डाल देना फ्रेश करके बढ़िया मिक्सी कर लेना आप लोग, मेरे पास तो ये है चॉपर तो मैंने इसी में ही कर लिया।
लहसुन भी डाल लीजिएगा। आप पहले डाल लेना, मैं भूल गई इसको डालना, वो एक्चुअली तेल से पानी कड़ा करा था, इसमें मैं बे लीफ डालना भी भूल गई, लहसुन भी डालना भूल गई। अब ये पहले डाल लेना, फिर प्याज डालना। आप जैसे तड़का लगाते हैं ना उस हिसाब से आप कर लेना, वही मेन तड़का ही है, बस क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो सब्जी में नॉर्मल तड़का लगता है, जैसे प्याज एक, प्याज एक टमाटर, उससे ज़्यादा प्याज, उससे ज़्यादा टमाटर, उससे ज़्यादा लहसुन, है ना, क्योंकि अच्छा मसाला ग्रेवी बना रही है। तो जितना प्याज होगा, जितना टमाटर होगा, उतना ही बढ़िया बनेगा। ये खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो प्याज और लहसुन की होती है। इसको पका लेते हैं, इसको पकते में टाइम लगेगा। देखिए गाइस, मसाले पक गए, ऑयल छोड़ रहा साइड में ना, आप देख सकते हैं मेरी फिश की ग्रेवी पक गई है। ओ माय गॉड, घर की हालत देखो, ये देखो यार, मैं इस कुहू से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। सो सकते हैं, ऐसे कैसे रह सकता है कोई। और ये माशा यहाँ नंगी,
कितना मर जाएंगे। बहुत ही गर्म हो रहा है यहाँ पे, मेरे को तो पता नहीं क्या है, हर टाइम पसीना आया होता है गाइस। ये मैं एक टाइम पे यहाँ पे एक हफ्ता में रोज़ सुबह सुबह कह रही हूँ, इवनिंग में जब मैं कुकू को छोड़ने जाती थी स्कूल, उसके बाद मैं यहाँ वॉक करने आती थी और एक घंटा वॉक करके फिर उसको कुकू को वापस ले आती थी। परसों भी कर रही थी वो, तुम झूलेगा नहीं मैं चुप नहीं होंगी, इसके पापा ने घर में बनाया अभी। अच्छा, ये तो घर में मैंने भी लिए, मेले में गए थे उसके लिए बनाया फिर डाल करके। हो गया था, हो था थोड़ा बहुत, वहां से खुश हो गई। वही हमने मेले में पूछा था, हमने कहा ये सर्फ वाला है क्या, कह रहे नहीं नहीं इसका अलग आता है ये, तो हमने भी लेके रखा वो, कभी जब मांगती तभी दिखाते हैं। कहाँ चले गए, मैं तो फ्रिज के ऊपर छुपा देती जाए पहुंचे ही ना। कू बबल्स, बबल्स दीदी बबल्स निकाल रही ना इधर, ये कू बबल्स, ये करो करो बबल्स, पकड़ पकड़ पकड़। वो देखो बेबी कैसे कर रही है। कुएं बबल्स बबल्स, ये इसको झूलने के लिए तो गाइस आज रात का डिनर नीरज ने बनाया है, ये है प्रॉन्स और ये पॉमफ्रेट वाली मछली, इसको फ्राई वगैरह करके जो भी है वो, अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी दोबारा, तब तक आप एंजॉय करिए। और हम और लाते कूसिंग क्या कर रही है, ये कूसिंग हाथ डाल के कौन पीता है यार कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, गुड नाइट शब्बा है, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।